दोस्तों नमस्कार, मैं दिव्यांशु आप सभी का मोस्ट एनआईसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसके क्या यूज होते हैं, उसके क्या क्या वर्ग होते हैं और उसके कितने रूप होते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है यह एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग करके कोई भी यूजर किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को मैनिपुलेट कर सकता है। अर्थात इस एमएस वर्ड के विंडो पर किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से लेटर ड्राफ्टिंग हो गया, फिर पैराग्राफ कंपोजिंग हो गया, बुक राइटिंग हो गया, या बुक का कवर पेज व बुक का फ्रंट पेज अपने आवश्यकता अनुसार बना सकता है, तथा किसी भी व्यक्ति का रिज्यूमे हो गया और उसका आइडेंटिटी कार्ड हो गया उसका भी वह डिजाइन कर सकता है। तो दोस्तों यह तो रहा हमारा एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके परिचय के बारे में। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे एमएस जो वर्ड होता है उसके रूप के बारे में, उसके प्रकार के बारे में। तो जो एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है उसके कई रूप होते हैं, जैसे हो गया एमएस, जैसे हमारा हो गया एमएस वर्ड 2003 हो गया, एमएस वर्ड 2007 हो गया, एमएस वर्ड 2010 हो गया, एमएस वर्ड 2013 हो गया, तथा एमएस वर्ड 2015 हो गया, जो लेटेस्ट आए हुए हैं 2013 और 15। ऐसे बहुत से हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के संबंधित ही कार्य को करते हैं। जो तथा एमएस वर्ड 2007 हुआ है वह एमएस वर्ड 2003 की अपेक्षा एमएस वर्ड 2007 में काम करने में थोड़ी आसानी होती है। इसमें यूजर किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से करता है। तथा जो एमएस वर्ड 2003 है उसमें मेनू दिया होता है, मेनू बटन दिया होता है। तथा उसी के स्थान पर एमएस वर्ड 2007 में मेनू बटन के स्थान पर ऑफिस बटन दिया होता है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं तथा सेव करते हैं। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं जिसमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये तो रहा हमारा आज के लिए एमएस वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कि उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया, उसके क्या क्या रूप होते हैं उसके बारे में हो गया, और उससे क्या क्या वर्ड होते हैं उसके बारे में हो गया। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक शेयर कमेंट